नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल। भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास जिसने थोड़ा भी पढ़ा है उसको सीमांत गांधी, बादशाह खान अथवा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जरूर मालूम है। उन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता था। बादशाह खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सबके समकालीन थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने जो बलूचिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा, और न केवल आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा बल्कि जो महात्मा गांधी का तरीका था शांति का, अहिंसा का, असहयोग का, उसके साथ जोड़ा। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद देश का विभाजन हुआ और सीमांत गांधी उधर रह गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए थे, उन इलाकों से जो अब पाकिस्तान में हैं, वो फरीदाबाद के आसपास बसे थे और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने चंदे से एक अस्पताल बनाया था जिसका नाम था बादशाह खान अस्पताल। अब हमारी सरकार ने इस अस्पताल का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया है। इसमें कोई द्वारा नहीं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के एक लोकप्रिय नेता थे, महान नेता थे, कवि थे, विचारक थे, साहित्यकार थे। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल उठता है कि क्या यह करना जरूरी था? ये कौन सी मानसिकता है जो सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम भारत से मिटा देनी चाहती है? एक 75 साल पुराना अस्पताल जिसको लोगों ने बनाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसका नाम बदल दिया जाए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी आज जीवित होते तो वो खुद इस काम को पसंद नहीं करते। वो खुद महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा आदर करते थे। तो ये क्या मानसिकता है कि आप सीमांत गांधी जैसे सम्मानित हमारे आज़ादी के नायक का नाम मिटा देना चाहते हैं और वहां पर उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आपने डाल दिया? ये जो सरकार का निर्णय है ये किसी भी तरह से समझ में नहीं आता। जब लोकल पत्रकारों ने फरीदाबाद में अस्पताल के अधिकारियों से पूछा तो उनके दो जवाब थे। एक जवाब ये था कि प्रधानमंत्री कार्यालय बता सकता है कि ये नाम क्यों बदला गया, और दूसरा बहुत सिंपल था कि उनको हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक से ये आदेश मिला और इसलिए नाम बदल गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। बादशाह खान का नाम पर जो अस्पताल चल रहा था उसका नाम बदलवाने की, लेकिन चूंकि अब पब्लिक डोमेन में ये सवाल आ गया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात की सफाई देनी चाहिए कि हरियाणा सरकार ने सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान के नाम पर चल रहे अस्पताल का नाम क्यों बदला। नमस्कार, धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया।
पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।